ऐसा भी कोई केस हुआ कि जब आपको उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर रहा हो? इंडिया का लेजर का भी पहला केस हमारे सेंटर में, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पेस मेकर है वो, हम लोगों ने डाला, आके पैर पढ़ लिए और बोला आपने इसकी जान दो बार बचाई। तो केसेस ही जिम में भी आजकल बहुत देखे जाते हैं, भी बड़ी साइंटिफिक चीज है। इवन योगा भी मैं कहता हूँ, कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टारगेट हार्ट रेट क्या है, आपकी उम्र इन ईयर्स 220 में से उसको घटा ली। अंडर 40 अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो वो बहुत ही फेटल होता है। अभी इंडिया उस स्टेज में पहुंचा है जहां हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हम बीपी की बात करें तो उसका कितना रोल होता है हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक के लिए एक ही रिस्क फैक्टर है एंड दैट इज टोबैको और स्मोकिंग। यूजेट के पॉडकास्ट में हम बात करते हैं लाइफ स्टोरीज की। जिंदगी की कहानियों में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इमोशंस और जिन्हें हम महसूस करते हैं हमारे दिल से। मेडिकली अगर कहा जाए तो हार्ट यानी कि दिल हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। जब ये धड़कता है तो हमारी ज़िंदगी चलती है और जब ज़िंदगी चलती है तो बनती हैं लाइफ स्टोरीज। आज के इस एपिसोड में हम इसी दिल से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियों के बारे में जानेंगे रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव से। सो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर स्मिथ। थैंक यू, इट्स अ फॉर्च्यून टू बी हियर। थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर। तो सबसे पहले तो हम ये शुरू करेंगे कि आज तो आप एक बहुत सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी ये जो कार्डियोलॉजिस्ट बनने की जर्नी है उस वक्त शुरू हुई जब आपके फादर के प्रिंसिपल्स और उनके दिल की जो लड़ाई थी उसमें जब उनका दिल जीता? बिल्कुल, आई थिंक आई वॉज बॉर्न एट अ मेडिकल कॉलेज वाइल माई फादर वॉज डूइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एट जबलपुर। सो स्टोरी आई थिंक स्टार्टेड राइट देयर बिकॉज इट वॉज इम्बाइब्ड इन टू माई DNA। लेटर ऑन यू नो देर इज अ वेरी रादर आई वुड से दैट इट्स अ इंस्पायरिंग इंसिडेंस बिकॉज माई फादर आई हैड सीन हिम टू बी वेरी प्रिंसिपल्ड एंड देर वॉज वन इंसिडेंस वेयर अ हेल्थ मिनिस्टर वॉज टू विजिट हिज हॉस्पिटल। मेरी पैदाइशी जो है मेडिकल कॉलेज में हुई थी, जब मेरे फादर अपने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। फादर डेफिनेटली मेरे इंस्पायरिंग फिगर रहे हैं और कुछ इंसिडेंट्स ऐसा भी हुआ बचपन में जो मेरी माँ मुझे बताती थी कि मैं बहुत छोटा था और उस वक्त उस समय के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं मेरे फादर के अस्पताल में आने वाले थे और पिताजी इतने उसूलों के पक्के थे कि उनको 5 बजे अस्पताल बंद करना था, उन्होंने 5 बजे अस्पताल बंद किया और घर आ गए। मिनिस्टर हो सकता है 5:15-5:30 बजे आए तो उन्होंने ये बोला कि कल सुबह 9 बजे अस्पताल खुलेगा और आपको आना है। इसके साथ ही मिनिस्टर बहुत आग बबूला हुए और उन्होंने कहा कि इनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मदर का एक कहना था कि मैं बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ जितना उनका सामर्थ्य था उस समय। तो वो मिनिस्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप डोंगरगढ़ जैसी जगह में आ जाइए, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन वहाँ 5वीं तक जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वहाँ से फिर धीरे धीरे चालू हुआ। मेजर जो शायद कारण रहा वो मैं अपने मित्रों से जरूर मजाक में कहता हूँ कि मेरी मदर शिक्षिका थी और फादर चिकित्सक थे इसलिए मैं मेडिकल टीचर बन गया। लेकिन शायद मेरी मदर का उसमें काफ़ी जो थे उन्होंने जो ख्वाब देखे थे अपने बच्चे के लिए उसके लिए वो स्ट्रगल करती रही, उसके लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया। डोंगरगढ़ में पढ़ा, फिर 1 साल राजनांदगांव में ट्रेन से अप डाउन करके पढ़ा, फिर उनको समझ में आया कि इनको भिलाई में एक स्कूल खुला हुआ है जहाँ पर रख के पढ़ाया जा सकता है। फिर आप भिलाई पहुंचे, फिर आपने राजनांदगांव से आप भिलाई आए। तो आपने जब एडमिशन लिया तब उस वक्त आप एक बहुत ही शाय बच्चे थे और आई थिंक आपने 2 साल किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं की, तो एक तो उसकी वजह क्या थी और जब आप पास आउट हुए वहाँ से तो आप हेड बॉय बन के निकले, तो ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपका? 87-89 की बात है, मैंने वहाँ एडमिशन लिया और डेफिनेटली एक बहुत छोटे जगह से आया था, बहुत एक ग्रामीण परिवेश जैसा ही कह सकते हैं। डोंगरगढ़ कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी उस समय, तो 70s में वो मालगुडी डेज जैसी जगह थी। लेकिन मित्र मुझे बहुत अच्छे मिलते रहे तो शुरुआत में बड़ा हेजिटेशन रहा, वैसे भी मैं शाही था, अभी भी शायद हूँ। और उस समय 1-2 मित्र मेरे ऐसे बने, खास एक ही मित्र बना मैं कहूँगा, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मुझे ग्रूम किया कि उन्होंने मुझे सही लहजे से बोलना सिखाया, कैसे फोर्क और स्पून यूज़ करते हैं वो तक सिखाया, कैसे आपको अपने आप को कैरी आउट करना है, कैरी ऑन करना है वो सिखाया। तो बहुत सारी जगह में
किस एग्ज़ाम में लिखना है, क्या एग्ज़ाम देना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है। और उनके वो अकेला मित्र नहीं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ था। दो एक इंसिडेंट्स ऐसे रहे कि जैसे मेरे फिजिक्स के टीचर थे, वो मुझे अपने घर बुलाते थे और हम बैठ के फिलॉसफी की बात करते थे। वो ज़रूर बोलते थे कि मैं तुमको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई जो आज भी मेरे लिए कहा जाए कि अपनी स्ट्रेंथ है। उन्होंने बोला तुम इमेजिन करो कि ये यूनिवर्स जो है वो 24 घंटे में बना है, या अर्थ 24 घंटे में बनी है, तो ह्यूमन बींग्स कब आए हैं, तो बताए 10 आखिरी के 10 सेकंड में, तो उसमें फिर तुम कब आए हो। तो मतलब वो तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ही वो हुआ। तो बोले अब तुम सोचो कि इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस क्या है इस यूनिवर्स में। तो मुझे उससे समझ में आया कि मेरी स्ट्रेंथ यही बन गई कि मेरे पास में कुछ खोने को कुछ नहीं है और मुझे पाना भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटी चीज़ हूँ मैं। करने की हिम्मत हो गई कि मुझे खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं जो भी करना चाहूँ मैं उसमें घुस सकता हूँ। ये बहुत कम उम्र में आपने इतनी डीप मतलब फिलॉसफी को आपने सीख भी लिया और उसको उतार भी लिया लाइफ में, तो आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल है कि ऐसे दोस्त और ऐसे टीचर्स आपको मिले जिन्होंने इतने अच्छे लाइफ लेसन्स आपके अर्ली स्टेजेस में आपको दिए और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। तो फिर ये कैसे आप स्विच हुए कि आप डॉक्टर हुए, और वो भी कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों बनना था आपको? मैंने बायो भी लिया था, मैथ्स भी लिया था, और आईआईटी की तैयारी कर रहा था। संयोग से बहुत अच्छे टीचर्स उसमें भी मुझे मिल गए थे कि जो तैयारी अच्छी करा रहे थे। फिर अचानक 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इंडिया में 11th पोजीशन थी। सो एक फादर उसके बाद मुझे शायद पहली बार सीरियसली लेके बैठे कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। मतलब मैं दोनों के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं बायो भी दे रहा हूँ, मतलब डॉक्टर भी बनने की है, इंजीनियर। तो बोले तुम अपनी एनर्जी दो जगह क्यों जाया कर रहे हो, तो मतलब कुछ एम नहीं है मेरा, जिधर सिलेक्शन हो जाएगा लगेगा हाँ इधर अच्छा कॉलेज मिल रहा है उधर चले जाऊंगा। वो मुझे फिर समझ में आया कि शायद उनकी एक इच्छा है कि आपको मेडिकल में आना है। तो मैंने फिर एग्ज़ाम्स मैंने दोनों के दिए, दोनों में सिलेक्शन हुए और बहुत जगह सिलेक्शन हुए। फिर उनकी इच्छा थी कि मैं इंदौर से, क्योंकि उनके समय में इंदौर सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता था, तो वहाँ से, तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया। फिर वहाँ से आपने ये नहीं बताया कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों बनना था? कार्डियोलॉजिस्ट बनना शायद मुझे बड़ा अच्छा, मेरे फादर फिजिशियन हैं तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं सर्जन बन जाऊँ, लेकिन शुरू से मुझे जो है वो दिल की चीज़ें ही आसपास रहना था, तो मैंने सोचा कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए। हालांकि शुरुआत जब हुई मैंने MBBS किया, फिर MD की, MD करने के बाद में फिर मैंने कार्डियोलॉजी के लिए प्रयास किया, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली ज्वाइन किया, वहाँ से GB पंत में गया, और सपना तो यही था कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो वापस यहीं आके मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया, बड़ा लाइफ सेटल हो गई। फिर एक हम लोग की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें ऐसा कुछ हुआ कि कुछ 2-3 सुपर स्पेशलिस्ट लोग जो थे वो आए, और वो आपस में इतने ज़्यादा बात करने लगे कि उनको लगा नहीं कि ये एक MD स्पेशलिस्ट भी उस बातों में इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, मतलब आपको इग्नोर किया उन्होंने एक तरह से, उनको लगा कि हाँ कि ये हमारे लेवल की बात है, शायद इनको ना समझ में आई। तो वो बात मुझे काफ़ी चुभ गई, और मैंने जाके उसी समय अपनी वाइफ को बोला कि मुझे DM करना है, कार्डियोलॉजी करनी है। फादर को बोला तो बोले यार लाइफ बढ़िया सेटल चल रही है, सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, जितनी आवश्यकता है वो सारी पूरी हो रही हैं, तुम फिर अब अनसेटल क्यों कर रहे हो? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़लसफ़ा यही है कि ना मुझे कुछ खोने को है ना कुछ पाने को है, बोला नहीं अब सोच लिया है तो हम सब कुछ छोड़ के चलेंगे। तो वो उसके बाद फिर प्रयास चालू किए, फिर एम्स में सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, फिर PGI में सिलेक्शन हुआ, वहाँ रिजेक्ट हुए एक बार, दो बार, तीन बार। और उस समय रेशियो यह था कि एक DM मतलब 500 MD के ऊपर एक DM की सीट होती थी, तो आपको 499 को पछाड़ना रहेगा तब आपको मिलेगी, तो वो आप एक बार में विरले कर पाते थे। और मेरे साथ तो ये था कि मेरी प्रैक्टिस भी थी, कॉलेज भी था, बीवी भी थी, बच्ची भी हो गई थी, तो ये सारी चीज़ों के साथ में और एक एज भी हो गई थी। फिर उसके बाद में PGI में अचानक सिलेक्शन हो गया। आपने अभी तक के अपने करियर में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं हार्ट रिलेटेड, और उन सर्जरीज़ का ये रिकॉर्ड है कि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, इंडिया भी नहीं, बल्कि वर्ल्ड में भी अपनी तरीके की वो पहली सर्जरीज थी। तो वो क्या सर्जरी थी? वो
सर्जरीज 15,000 तो बहुत सारी उनमें तो जो हम लोग गार्डन वैरायटी कहते हैं वो रहती हैं, लेकिन कुछ सर्जरीज में जरूर मुझे फॉर्चुनेट रहा कि वो तब कई बार शुरुआत में नहीं मुझे पता चला कि ऐसी विलक्षण सर्जरी है, जैसे रुकावटें आईं सर्जरी में और हमने उसका एक रास्ता निकालना चालू किया कि जैसे एक है जो वर्ल्ड में फर्स्ट कहलाती है कि टाकायासू में हमने लेज़र का प्रयोग करके छोटी एक बच्ची थी 18-20 साल की, उसकी एओटा बंद थी, महाधमनी बंद थी और उसमें कुछ भी नहीं जा रहा था। सो कोई हमारे पास साधन ही नहीं था कि जिसको हम अपने किसी टूल को किसी औजार को पार करें और उस नस को खोल पाए। वो कैल्सिफाइड हो गया था, वो पूरा कैल्सिफाई होके फाइब्रोस्ड होके बंद हो गया था। सो उसमें हमारे पास में लेज़र थी, इंडिया का लेज़र का भी पहला केस हमारे सेंटर में हुआ, हम लोगों ने किया। तो हमने सोचा क्यों ना हम जो हार्ट की नस में लेज़र यूज़ करके रास्ता बनाते हैं तो टाकायासू एओटोआर्थराइटिस में उस बीमारी में भी क्यों ना कर लें। तो वो कर लिया, उसके बाद में जाके हम लोगों ने देखा कि हमसे पहले किसी ने किया क्या, तो पता चला कि कोई भी मेडिकल लिटरेचर में कोई रिपोर्ट नहीं और हमारा पहला केस है। फिर वो बाद में हम लोगों ने पब्लिश किया, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पेसमेकर है वो हम लोगों ने डाला, वो भी ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पे पहले हमने लेज़र से लीड एक्सट्रैक्शन किया, यानी पुराने इन्फेक्टेड पेसमेकर को निकाला वो लेज़र की विधि से और फिर उसमें स्मॉलेस्ट पेसमेकर डाला। 102 साल के बुजुर्ग में पेसमेकर डाला, वो मुझे भी नहीं पता था कि इतने बुजुर्ग हैं और मैंने ऐसा काम कर दिया। फिर उसने खोजा तो पता चला इंडिया में अभी तक 102 वर्ष के लोगों में ऑपरेशन होने की सिर्फ 6 रिपोर्ट्स हैं, तो हमारा 6वां केस बन गया। ऐसे चीजें हैं जिसको इंटेंशन तो नहीं कुछ था कि अपन उसको सिचुएशंस आती गई और बाद में पता चला कि अच्छा ये तो काम ऐसा हो गया। ड्यूरिंग सर्जरी कभी आपको ऐसा डर लगा या आप नर्वस हुए? ऐसा तो बहुत बार होता है क्योंकि ये पक्का रहता है कि अगर मेरे से एक छोटी भी चूक हुई तो हो सकता है कि सामने मरीज की जान चली जाएगी। कई बार अब लोग आर्टिफिशियल वॉल्व डालते हैं पैर की नस के रास्ते, आज जैसे सर्जन छाती खोल के वॉल्व डालते हैं, हम पैर की नस से कंप्रेस्ड वॉल्व रहता है उसको हार्ट में ले जाके फिर वहाँ खोल देते हैं। तो वैसा भी एक मरीज के साथ में हुआ कि वो वॉल्व जो है वो गलत जगह खुल गया, थोड़ा सा ऊपर खुल गया, प्रोलैप्स हो गया, फिर हमको उसको खींच के एओटा में डिप्लॉय करना पड़ा, फिर दूसरा वॉल्व डालना पड़ा। सो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे हम एक छोटी मिस्टेक कर देते हैं। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आपके बिहाफ पर किसी की लाइफ है और अगर उस वक्त कुछ मिस्टेक हो रही है तो कैसे अपने आप को संभाल के और उस ऑपरेशन को करना, मतलब क्या ज़रूरी होता है और क्या मनोस्थिति होती है उस वक्त। तो एक सिद्धांत मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि अगर आप मरीज को अपने माता पिता मान के इलाज करिए तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि आप उनमें बहुत केयरफुल रहेंगे, आप सारी चीज़ें पहले प्लान करेंगे, जिसको हम लोग मैं कहता हूँ कि 90% जो काम है वो मरीज के को आप टेबल में ऑपरेटिंग टेबल में लेने के पहले फिनिश कर दोगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके लिए मुझे हो सकता है एनेस्थीसिया वाले की सहायता चाहिए, कार्डियक सर्जन को बगल में स्टैंड बाय खड़ा करना है, ब्लड का अरेंज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें। और एक चूंकि अच्छी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हुई है पीजीआई चंडीगढ़ में, वो इतना आपको रवा कर देते हैं कि वो आप वहाँ रोज के 60 केसेस करते थे हम, तो आपको मालूम रहता है कि इस वाले केस में उस दिन ऐसा हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, क्लियर रहती है कि मैं भगवान नहीं। ऐसा भी कोई केस हुआ कि जब आपको उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर रहा हो? बहुत सारे केसेस हैं, एक विशेष मुझे याद रहता है कि 2.5 साल की बच्ची का मैंने हृदय में सुराख था, उसको बंद किया था बटन से, सो उसमें उसके बाद में उसके फादर ने आके पैर पढ़ लिए और बोला आपने इसकी जान 2 बार बचाई। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या ये, बोले सर अभी तो आपने बचाई ही है, जब ये शादी के लायक हो जाएगी, उस दिन चूंकि सीने में कोई चीरे का निशान नहीं है, कोई सर्जरी का निशान नहीं है, तो उस दिन मेरे लिए ये चीजें सरल हो जाएंगी, इसकी लाइफ आपने तब भी बचाई है। आजकल की अगर हम बात करें कि जो लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, जो खान पान है, अवेयरनेस भी आई है, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने डाइट पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो क्या सबकी वजह हार्ट अटैक ही होती है या डिफरेंट डिफरेंट वजह भी हो सकती है? इंडिया उस स्टेज में पहुंचा है जहां हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, और जैसा आप कह रही हैं हर 4th डेथ इंडिया में वो कार्डियक रीजन से होती है, इसलिए आप जो सुनते हैं उसमें ज़्यादातर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट ही होते हैं। मतलब 25%
कार्डियक डेथ है, नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटर है वो कैंसर है और वो 8% डेथ का कॉज है. तो आपका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से आप 3 गुना ज्यादा डेथ कॉज कर रहे हैं. आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है जिनसे आप हार्ट अटैक्स पकड़ते हैं वो बढ़ गए, तो आपको ज्यादा डायग्नोसिस हो रही है तो भी आपको पता चलता है. सबसे बड़ा कारण यह है कि वेस्ट में टोबैको यूज, तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग में, नॉन स्मोकिंग टोबैको, दोनों 25 साल में कम हुए. ऐसा लेकिन क्यों कहा जाता है कि अगर अंडर 40 अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो वो बहुत ही फेटल होता है? हार्ट को सप्लाई करती है नसें, वो 3 नसें हैं, 2 बाईं तरफ है, 1 दाईं तरफ है. जब पेशेंट यंग रहता है सो वो डिजीज फ्री रहती हैं. सो मे बी लेट्स से कि ही स्मोक्ड और कुछ पोल्यूशन के कारण ही डेवलप्ड अ क्लॉट, उनको एक थक्का बन गया हार्ट की नस में. सो वो थक्का तुरंत उस नस को बंद करेगा और उसके आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी एंड एक मेजर एरिया वुड बी डेड. हार्ट का एक बहुत बड़ा अंश जो है वो मर जाएगा और उसी समय हार्ट का फंक्शन रुक जाएगा. लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि आप चूंकि उम्र के साथ में भी उसमें बीमारी इकट्ठी होती है, सो दोज आर्टरीज आर ऑलरेडी डिजीज्ड एंड हार्ट इज प्रिपेयर्ड कि किसी ना किसी दिन इनमें से एक आध बंद होगी तो वो अगल बगल से है ना, मेन रोड बंद होने वाली है तो गलियां खोल देता है, बाईपासेस बना देता है. एंड दैट इज व्हाई ओल्ड एज में उतना ड्रास्टिक नहीं रहता जितना यंग एज में. सो अभी जैसे आपने कहा कि यंग एज में कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन आप जो पैरामीटर्स हैं चेक करने के वो आप कराते रहें तो आप अर्ली आप डायग्नोज कर सकते हैं. इसके अलावा और कौन से टेस्ट हैं जो कराने चाहिए और किस एज ग्रुप में कौन से टेस्ट और कितने रेगुलरिटी पे कराना चाहिए? आई थिंक ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज 10 साल पहले आती है, ब्लड प्रेशर 10 साल पहले आता है, हार्ट अटैक्स 10 साल पहले आते हैं. सो पश्चिमी देशों में औसत आयु है जिसमें ब्लड हार्ट अटैक आएगा 55 to 65, हमारे यहाँ औसत आयु है 35 to 45. सो वी आर अ डिकेड अर्ली, सो हमको जल्दी कराना जरूरी रहेगा. तो आफ्टर 30 मतलब आप स्टार्ट कर दें. एंड 30 के बाद में आपको जो टेस्ट रहते हैं वो 2 तरह के रहते हैं. एक होता है जिनमें हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, यानी आप खड़ी गाड़ी है उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में आप उस गाड़ी को लोड करके यू टेक इट टू अ राइड एंड उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं, टीएमटी वगैरह जिसको टीएमटी बोलते हैं. सो ऐसे टेस्ट दोनों अलग अलग चीजें बताएंगे. डेफिनेटली अगर इफ यू कैन गो फॉर वो टेस्ट जिनमें आपको स्ट्रेस हो रहा है वो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे. सो जब भी हम इन्वेजिव होते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बढ़ जाते हैं. उन कॉम्प्लिकेशंस में बड़े डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, किडनी खराब भी हो सकती है. और जो सीटी एनजीओ वगैरह होता है वो भी एनजीओग्राफी का ही पार्ट, उसमें भी आपको 100 डाई तो आपको या डाई को डालना है तो डाई आपकी हो सकता है, यू कैन डेवलप एलर्जी टू इट, एडवर्स रिएक्शन आपको वहाँ पे हो सकता है, और उसके अलावा किडनी में वो डाई इफेक्ट कर सकती है. सो अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो वो रिस्क नुकसान नहीं. हाँ अगर आपका टीएमटी पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली उस टेस्ट से आपको फायदा ज्यादा होगा जितनी रिस्क है. गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो एक तो ये क्या है और किस स्टेज पर आकर के हमको थोड़ा सा सजग होना चाहिए कि अब हमें या तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है या बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है. अच्छा कोलेस्ट्रॉल का काम है कि वो जहां जहां चर्बियां स्टोर होती हैं, जैसे चमड़ी के नीचे होती है, हार्ट के अंदर है या नसों के अंदर है, उसको निकाल कर लिवर तक ले जाता है ताकि वो वहाँ से हट जाए और लिवर में एनर्जी देने के काम आए. बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए वो है जो लिवर से या आंतों से चर्बी को ले जाकर इन जगह डिपॉजिट करता है. तो दोनों में अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, दोनों अपना काम कर रहे हैं. लेकिन इनकी रेंज भी अलग अलग देशों में और अलग अलग सोसाइटीज़, मेडिकल सोसाइटीज़ से अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें जैसे अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्राइग्लिसराइड को रिस्क नहीं मानते, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा रिस्क है. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे जो पुरखे रहे हैं वो एक अकालग्रस्त जगह में रहे हैं जहाँ पे खाना स्केर्स रहता था. सो वही लोग सर्वाइव किए जिनका ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा थे, जिनके पेट में या जिसको तोंद बोलते हैं वहाँ पे फैट इकट्ठा था, क्योंकि अकाल के वो इट इज़ लास्ट फैट टू गो. अकाल के दौरान में वही लोग बचते थे जिनके पेट में या तोंद में चर्बी हो. तो इंडियन गाइडलाइंस भी आ रही हैं बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी
लेकिन इसलिए आपको आपके डॉक्टर से समझना पड़ेगा कि फॉर यू व्हाट इज अ लेवल विच इज डेंजरस एंड व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल. इट यू कैनॉट सी कि वो लैब में 250 लिखा है तो 250 के ऊपर खतरनाक है, 250 के नीचे, क्योंकि ये इंडिविजुअल है. 250 वाला वो एक 400,000 की पॉपुलेशन में उन्होंने एवरेज निकाला कि यहाँ 250 के ऊपर इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, 250 के नीचे इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं. जो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मेडिसिन दी जाती है जिनको कि हम स्टैटिन्स बोलते हैं, तो ये लोगों में मिथ भी है कि अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो आपको फिर वो हमेशा लेना पड़ेगा. जैसे अगर हम ब्लड प्रेशर दवाइयों की बात करते हैं या डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो क्या ऐसा है कि अगर आपने लेना शुरू किया इन दवाइयों को कोलेस्ट्रॉल सुखाने के लिए तो कंटिन्यू करना पड़ेगा या ये बंद हो सकती हैं? मैक्सिमम टाइम्स यस इट इज़ ट्रू कि आपको दवा जिंदगी भर लेना रहेगा. रीज़न बीइंग कि आपका उस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कुछ नुकसान हुआ है. समटाइम्स हम वो स्टैटिन इसलिए देते हैं कि हमको मालूम है कि पेशेंट ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, उसको हल्का फुल्का मैंने जो बोला ना कि गोडाउन, उसके गोडाउन में थोड़ा सा फैट पड़ा हुआ है, हम उसको ड्राई कर देते हैं. सो वो गोडाउन का फैट 30 की जगह 0 पे आ जाएगा. सो हम उसको एक मार्जिन दे दी 30 की एक्स्ट्रा. सो इन दैट केस जैसी 0 पे आता है वी कैन स्टॉप मेडिसिन. अगर हम बीपी की बात करें तो उसका कितना रोल होता है हार्ट अटैक में, कि बीपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BP, और किस तरीके से उसको कंट्रोल रखना चाहिए? ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक वैसे हार्ट अटैक के लिए एक ही रिस्क फैक्टर है जो प्रूवन रिस्क फैक्टर है एंड दैट इज टोबैको और स्मोकिंग. ओके, ऑल अदर्स आर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, मतलब उनका डायरेक्ट कोरिलेशन हमने प्रूव नहीं किया है. लेकिन अगेन मेडिसिन में या कहीं भी यूनिवर्सल ट्रुथ किसी को नहीं मालूम होता है ईश्वर के अलावा. तो जिसको ब्लड प्रेशर है वो उसको 2.5 गुना चांसेस हैं हार्ट अटैक होने की. जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट को उस प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है. सो उसको अपनी मसल्स बढ़ानी पड़ती हैं. मसल्स बढ़ाता है तो उसको जितनी ब्लड सप्लाई आ रही है वो कम पड़ जाती है. तो वहाँ सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो जाता है कि आपकी मसल्स तो बढ़ गई, आर्टरीज तो वही हैं, पाइपलाइन तो वही है, तो फिर आपका वो मिसमैच में भी फिर हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है कि उसको खाना कम मिल रहा है, ब्लड कम मिल रहा है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. हार्ट अटैक के जो केसेस हैं ये जिम में भी आजकल बहुत देखे जाते हैं और जिम एकदम कल्प्रिट बन गया है, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी कहा जाता था कि हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो आपको एक्सरसाइज करना है, रेगुलर रूटीन फॉलो करना है. तो कैसे उस पैरामीटर को तय करेंगे कि ये मॉडरेट है और ये एक्सेसिव है? सो जिम भी बड़ी साइंटिफिक चीज़ है. अगर आप अनसाइंटिफिक वे में करेंगे, इवन योगा भी मैं कहता हूँ कि बड़ी साइंटिफिक चीज़ है, अगर आप अनसाइंटिफिक वे में करेंगे आपके या तो जॉइंट्स में गैप आ जाएगा और यू डेवलप सम मसल पुल और क्रैम्प और समथिंग. सो इट हैज़ टू बी डन इन अ वे जैसा होना चाहिए, जैसा प्रिस्क्राइब्ड है. अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि यू डू नॉट गेट दोज ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो आपको सही गाइड कर पाए, क्योंकि अब फ्लड है ऑफ एनी वन हु has done a gym and has some good shape becomes a trainer next day. So gym में अभी deaths के कारण ये है कि एक हमारे हमको कुछ formulae हैं medicine में जिनको follow करना चाहिए. There are some rules. Even we do, जैसे हम treadmill test कराते हैं तो we do not हम patient को वहाँ तक नहीं दौड़ने देते जहाँ तक हमारे target है. We do it till 85% of that. क्योंकि आपकी एक general population में हर कोई superman नहीं होगा. अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टारगेट हार्ट रेट क्या है, आपकी उम्र इन ईयर्स 220 में से उसको घटा लीजिए. लेट से आई एम 40, तो 220 माइनस 40, सो 180 इज द मैक्सिमम हार्ट रेट दैट आई कैन रन. उसका 80-85% अगर मैं रीच कर रहा हूँ आई एम वेरी हेल्दी. द मोमेंट आई ट्राई टू क्रॉस दैट वो प्रेशर आपका आएगा. So, एक ये कारण होता है. दूसरा कारण है कि कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं, कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं. सो ये अननेचुरल वे है. यस, दे गिव यू बल्ज इन 3 मंथ्स. प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, दे कंटेन स्टेरॉइड्स, यू नो, अंडरलाइंग वेस्टेड इंटरेस्ट की हाँ थोड़ा सा स्टेरॉइड, या दे विल रिकमेंड आप क्रिएटिनिन ले लीजिए. हार्ट अटैक वाला जो आपने एक जकड़न वाला जो बताया, उसके अलावा कोई और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो रिकग्नाइज करे कोई पेशेंट कि ये मुझे हार्ट से रिलेटेड पेन हो रहा है? सो उसका भी ये है कि जबड़े से लेके एंगल ऑफ माउथ टू अम्बिलिकस नाभि तक कोई भी पेन
हार्ट का हो सकता है, क्योंकि हार्ट की जो नसें हैं वो इनकी नसों से शेयर करती हैं, वो यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर अकेले सिर्फ आपके रिस्ट में हाथ में दर्द हो रहा है, या कहते हैं लेफ्ट हैंड में, जैसे लेफ्ट और राइट कहीं भी हो, वो हार्ट का पेन हो सकता है। सांस फूलना वो आपको दिक्कत बता सकता है, एग्जॉशन आपको दिक्कत बता सकता है, सीधे वो गिरते हैं और अचेत होते हैं। और हाँ, जो हम लोग अक्सर टीवी में भी देखते हैं कि वो गिरे, और तो क्या इसका कारण उनकी लाइफस्टाइल हो सकती है? बिकॉज आपने कहा कि बीमारी तो कुछ है नहीं उनको और सिम्टम्स भी इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसा वजह होता है? कुछ जेनेटिकल होता है या लाइफस्टाइल की वजह से होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं? तो बीमारी के तीन कारक होते हैं, एक तो व्यक्ति खुद, दूसरा उसका अनुवांशिक परिवार, पारिवारिक क्या रहा है, विरासत कैसी है, तीसरा एनवायरनमेंट। सो व्यक्ति खुद डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एक्सरसाइज नहीं करता है, सोने का समय निश्चित नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोने का समय निश्चित होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का समय निश्चित होना चाहिए। पारिवारिक है कि आपको हिस्ट्री रही है, आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है, तो आप में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थर्ड एनवायरमेंटल, आप क्या खा रहे हैं, किस हवा में रह रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोला था कि बायो क्लॉक का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब हम जैसे से हम अपने आप को मॉडर्न मान रहे हैं उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। बायो क्लॉक की स्टार्ट जो है, शुरुआत, वो जब हम समुद्र में यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिका वाले ऑर्गेनिज्म से, तब से शुरू हो गया था, तब से हमारा सन के साथ रिलेशन बन गया था, क्योंकि उससे हमारे खाने की, सोने की, उसकी साइकिल डिफाइंड रहती थी, हमारे हार्मोन्स भी वैसे रिलीज होते हैं बीमारी। और कम सोना और ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, ये भी हार्ट को वीक करता है? बिल्कुल, हालांकि हार्ट अटैक नहीं कराता, लेकिन हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो स्ट्रेस इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, लेकिन सोना जरूर दिक्कत करता है, क्योंकि वो वर्ड समय रहता है जब हमारा इंजन ठंडा हो रहा है, रिजुवनेट हो रहा है, रिपेयर कर रहा है अपने आप को, तो आप अगले दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी नींद कम हो रही हो, बहुत सारे लोगों को खराटे लेने की बीमारी होती है, खराटा एक्चुअली में आपकी नींद नहीं है, इट इज टोटल डिस्टर्बेंस। तो खराटे लेना मतलब हार्ट डिजीज का सिम्टम हो सकता है कि हार्ट आपका ठीक शुरुआत हो सकती है, सिम्टम नहीं, वो हार्ट डिजीज के पहले आ जाएगा। जिसको खराटे बहुत होते हैं, नींद कच्ची रहती है, दिन में सोना आता है, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उनको हार्ट की धड़कन और हार्ट अटैक्स होने के चांसेस बढ़े रहेंगे। दूसरी एक मिथ और भी है, लोगों को लगता है कि मेरा हार्ट रेट 50 के नीचे है या 60 के नीचे है या मेरा ब्लड प्रेशर 100 के नीचे है तो ये लो ब्लड प्रेशर है और ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आपका हार्ट रेट जितना कम होगा, बिना किसी समस्या के, आपके आंखों में अंधेरा नहीं आना चाहिए, एग्जॉशन नहीं हो, तो उतना आपका हार्ट स्वस्थ है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपका हार्ट अगर एक मिनट में 100 बार धड़क रहा है आप और 50 बार धड़क रहा है, तो 50 वाले को आराम करने का समय डबल मिल रहा है, 25 वाले को उससे ज़्यादा मिलेगा। जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट रेट 20-30 होता है, जो मैराथन रनर्स या फास्ट रनर्स होते हैं, एंड दे आर हेल्दीएस्ट। तो लगता है कि 20 और 30 में वो कैसे जीवित रहेंगे, कैसे कर रहे हैं, बट दैट इज़ एन एडाप्टेशन, जो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा हेल्दी हार्ट वही है जिसका ब्लड प्रेशर 80-90-100 है, लेकिन परेशानी नहीं होना चाहिए उसके साथ में, तो वो लोग ज़्यादा जिएंगे जिनका 120 या 130 है उससे। हेल्दी हार्ट को रखने के लिए हम पांच ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट हमारी लाइफ जर्नी में? अगर उसको दूसरे तरह से कहते हैं कि अगर 80 साल तक आपको जीना है तो कुछ चीज़ें आपको जो सोच के रखनी है, जो करनी है, कि आपका शुगर जो है वो फास्टिंग शुगर 80 के करीब होना चाहिए। ओके। आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के करीब होना चाहिए, जो लोअर वाला होता है, लोअर वाला होता है, तो ऑब्वियसली सिस्टोलिक भी आपका उसके आसपास में 120-130 के करीब आ जाएगा। जो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल है वो 80 के करीब होना चाहिए। ओके। पत्नी से संबंध साल में 80 बार बनाने चाहिए। और अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर हम बात करें पांच टिप्स की, तो वो क्या हो सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप अपनी बायो क्लॉक को सेट करें, फॉलो दैट बायो क्लॉक, रिस्पेक्ट द सन, अवॉइड व्हाइट लाइट्स आफ्टर 7 o'clock और 8 o'clock। दूसरा ये है कि हफ्ते में
दो से तीन दिन मिनिमम आपको एक घंटे का समय किसी भी तरह की एक्टिविटी में देना है। अगर आप मैराथन रनर हैं तो भी आपको वो एक घंटा निकालना है और लीजर टाइम एक्टिविटी, मतलब वो आपकी एक्सरसाइज ऐसी हो जो आपके बिजनेस से, आपकी दौड़ने के काम से, मैराथन रनिंग से नहीं रिलेटेड हो, वो आपकी आप एंजॉय करें उसको। हाँ, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आप शवासन कर रहे हैं, बट यू आर गिविंग टाइम टू योर बॉडी। थर्ड, आपकी ब्रीदिंग को बहुत अटेंशन देना है। वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप ये ध्यान दे रहे हैं कि आपकी कितना फास्ट या कितना स्लो सांस ले रहे हैं और उसके साथ आपकी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड है, सो लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि लंग्स में एक जे रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप बहुत बात करते हुए चल रहे हैं और मोबाइल में बात कर रहे हैं तो यू विल फील कि आपकी सांस उखड़ रही है, बिकॉज दैट इज टू थिंग्स, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द ब्रीदिंग। जब आप ब्रीदिंग पे टेंशन डालते हैं तो आपकी बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। बाकी तो सभी लोगों को मालूम रहता है कि चर्बी कम खानी है, अवॉइड वाइट्स, आपको नमक कम खाना है, घी कम खाना है और शुगर कम खानी है, मैदा कम खाना है, सो ये फोर वाइट्स अवॉइड करने बस ही। आपने जैसे घी की बात की तो ये भी एक हार्ट पेशेंट्स के लिए जनरली कहा जाता है कि आजकल जिस तरह के कुकिंग ऑयल्स की अगर हम बात करें, पुफा ऑयल है, सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, या दुनिया भर की तमाम चीज़ें निकल रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि हार्ट पेशेंट को चेंज कर करके कुकिंग ऑयल्स खाना चाहिए, तो क्या ये सही है या क्या रीज़न है इसका? जी, सो देर आर स्टडीज विच हैव कंपेयर्ड ऑयल्स एंड उसमें मेडिटेरियन डाइट जो है, यानी जहाँ सैलेड के ऊपर वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, दे इट वॉज फाउंड टू बी वेरी बेनिफिशियल। दूसरा एस्पेक्ट है कि लाइक कोकोनट, मे बी टू सर्टेन एक्सटेंट घी, वो ज़्यादा जमने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपको लाइट वेट जो ऑयल्स हैं, अगर हम आम बोलचाल में अगर हम बोलना चाहें तो कि ग्राउंडनट, यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ ऑयल्स, ओके, आप एक दो महीने, तो आप दो महीने आपने कोलेस्ट्रॉल की वॉल बनाने के लिए आपने कोलेस्ट्रॉल वाला घी ले लिया, देन उसको जब होगी कि हाँ दीवार बन गई, नाउ गोडाउन में जा रहा है, लेट्स चेंज इट टू स्विच ओवर टू अ ऑयल जो वो गोडाउन होने से डिप्लीट कर दे, एंड दैट इज हाउ यू कैन हैव अ बैलेंस। अगर आप बिल्कुल घी बंद कर देंगे तो प्रोबेबली यू लूज शाइन ऑफ योर फेस, वो लुक और वो सारी स्किन, क्योंकि वो भी ऑयल तो चाहिए, यू नो यू पुट जो क्रीम्स होती हैं, दे आर ऑल ऑयल बेस्ड बिकॉज इट नीड्स नरिशमेंट, इट नीड्स ऑयल, अदरवाइज द स्किन विल क्रैक। सो हार्ट अटैक के अलावा भी और क्या डिजीजेज होती हैं जो कि फेटल हो सकती हैं और जिनका ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी बीमारियां हैं, इफ आई स्टार्ट, तो हम एज वाइज भी वी कैन गो कि जैसे बच्चे मेरे एक 10 दिन के बच्चे को मैंने ऑपरेट किया था जिसका पैदा होने से ही वॉल्व बंद था, सो हमने उसको बलून डाल के वी ब्रोक ओपन दैट वॉल्व, एंड उसके आगे धड़कन वाली बीमारियां होती हैं कि किसी की धड़कन बहुत कम बन रही है, तो फिर हम उसमें पेसमेकर डालते हैं, किसी की धड़कन बहुत तेजी से काम करती है, उनके हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और उसके कारण धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वॉल बंद हो जाते हैं, बुजुर्गों में वॉल बंद हो जाते हैं जिसमें कैल्शियम है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करके बीमारी होती है जिसमें चूंकि हार्ट का जो फिजिक्स का एक्चुअल डिज़ाइन है वो बुलेट शेपेड है, वो ना होके कुछ दूसरा शेप हो जाता है, ओरिएंटेशन फाइबर्स का चेंज हो जाता है, लेस एफिशिएंट इंजन होने के कारण वो बहुत ज़्यादा विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और मसल्स इतना ग्रो कर जाती हैं कि हार्ट के अंदर जगह नहीं बचती कि वो ब्लड को रिसीव करके पंप कर पाए। इन डिजीज के लिए भी कोई अर्ली डायग्नोसिस के कोई तरीके नहीं है कि हम डायग्नोस कर सकते? ये अनुवांशिक है, सो देयर हेरिडिटरी, तो हम पकड़ सकते हैं कि इनकी फैमिली में था, सो ही में है भी। फिर कुछ म्यूटेशंस के कारण होते हैं तो भी वी नो कि उनको फिर धड़कन होगी, साधारण इको या ईसीजी में पता चल जाएगा कि हार्ट की वॉल मोटी है, एंड फिर हम उन पेशेंट्स को सब्जेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर टेस्टिंग की, जहाँ ये हो सकता है, और खुशी की बात यह है कि इनके इलाज मौजूद है, बहुत सरल इलाज मौजूद। और अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं किसी में तो क्या ईसीजी किसी भी एज में कराया जा सकता है, अगर यंग एज में भी चाहें? ईसीजी पैदा होने के पहले दिन से आप करा सकते हैं, बिकॉज देयर ऑल्सो इट गिव्स अस अ लॉट मच इन्फॉर्मेशन। कई माताएं होती हैं जिनको बीमारियां होती हैं जो बच्चों में हार्ट ब्लॉक करा देती हैं, कंजनाइटल हार्ट ब्लॉक, यानी बच्चे की धड़कन जो नॉर्मली 100 के ऊपर होनी चाहिए वो 20-30 रहती है, सो
अगर हम माता में पता कर लेते हैं कि ये इनको ये बीमारी है, तो वी एक्सपेक्ट कि हाँ उस बच्चे का फिर हम ECG करके देखते हैं. जैसे ही पैदा होता है हम ECG करके देखते हैं कि डज ही नीड अ ट्रीटमेंट और ही डज. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. आई विश कि आप अपना और अपने दिल का ख्याल रखें, और हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं. अगर आपके कोई सजेशन है जिसे कि आप हमें दे सकते हैं इस पॉडकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. वी आर वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस. अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात. टिल देन टेक केयर एंड बाय.